शुरुआत होती है और हम गैरी को देखते हैं जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और साथ ही पिज्जा डिलीवरी का काम भी करता है। एक दिन वो अपने दोस्तों से मिलने एक कैफे में जाता है, तब वो वहाँ एक गैरी नाम की लड़की को देखता है जिसे देखते ही गैरी को उससे प्यार हो जाता है। फिर गैरी वही आइसक्रीम मांगता है जो आइसक्रीम कैरन ने मांगी थी और आइसक्रीम वाले से उस लड़की के बारे में पूछता है, पर वो भी उसे नहीं जानता था। फिर गैरी उसी कैफे में बैठे अपने दोस्तों के पास जाता है जिनका नाम रिक और डेविड था। रिक जो कि एक प्ले बॉय टाइप का लड़का था और वो लड़कियों से बहुत फ्लर्ट करता था। रिक और डेविड कैफे में बैठी लड़कियों को देख रहे थे। डेविड रिक को बता रहा था कि वो बहुत आसानी से पट सकती है, पर गैरी को लगता है कि वो लड़कियां नहीं पटेगी। रिक डेविड से शर्त लगाता है कि वो उन लड़कियों को मनाकर अपने टेबल पर लाएगा। डेविड भी उसकी ये शर्त मान लेता है और उन लड़कियों को अपने टेबल पर बुलाता है। जब वो उनके टेबल पर आती हैं, तब रिक उन्हें एक पार्टी में इनवाइट करता है और कहता है कि तुम उस पार्टी में ड्रग्स ले सकती हो। तभी वो लड़कियां भी उस पार्टी में आने को तैयार हो जाती हैं। अब वो तीनों उन लड़कियों को गैरी के घर ले आते हैं। घर आने के बाद गैरी म्यूजिक ऑन करता है और वो तीनों उन लड़कियों के साथ डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़कियां उनसे ड्रग्स के बारे में पूछती हैं, तो वो उन्हें ड्रग्स की जगह केमिकल शुगर की पाउडर देते हैं। लड़कियों को लगता है कि ये ड्रग्स है। वो कहती है कि ये बहुत अच्छी है, हमने इससे पहले कभी ऐसे ड्रग्स नहीं लिए। ड्रग्स लेने के बाद रिक एक लड़की को लेकर इंटीमेट होने के लिए रूम में ले जाता है। डेविड भी एक लड़की को लेकर रूम में चला जाता है और गैरी उस लास्ट वाली लड़की के साथ हॉल में ही रहता है। वहीं रिक उस लड़की के साथ इंटीमेट होने लगता है और डेविड जिस लड़की के साथ गया था वो लड़की उसे कहती है कि तुम रूम के बाहर रुक कर 100 तक काउंट करो, जब तुम्हारी काउंटिंग खत्म होगी तब मैं तुम्हें बिना कपड़ों के मिलूंगी। तो डेविड बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और वहीं दूसरी ओर बेचारा गैरी उस मोटी लड़की की ब्रा की स्ट्रिप नहीं खोल पाता और उस स्ट्रिप को काटने वाला था। तब तक उसके पेरेंट्स घर पर आ जाते हैं। गैरी के पेरेंट्स को देखकर सब लोग हड़बड़ा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन डेविड घर में ही रह जाता है। वो 100 तक काउंटिंग कर रहा था, जब काउंटिंग खत्म हो जाती है तब वो रूम के अंदर जाता है और बेड पर लड़की को देख उससे जाकर लिपट जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो जिसके साथ सोया है वो गैरी की मॉम है। गैरी की मॉम जब पलट कर डेविड को देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है, तब डेविड वहां से भाग जाता है। अब दूसरे दिन स्कूल में हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो चेंजिंग रूम में एक बोर्ड के पीछे से लड़कियों को बिना कपड़ों के देख रहा था। उसी वक्त वहां पर उसके सब फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो विक्टर को बुली करते हैं, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी विक्टर उन्हें कहता है कि उसका कॉक उन सबसे बड़ा है। वो सब लोगों के साथ शर्ट लगाता है, तब डेविड और गैरी सबके कॉक की साइज चेक करने लगते हैं। वो दोनों भी विक्टर का कॉक देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि सच में वो बहुत बड़ा था और विक्टर ये चैलेंज जीत जाता है। थोड़ी देर बाद जब डेविड और गैरी कैंटीन में होते हैं, तब उसी कैंटीन में गैरी को कैफे वाली लड़की दिखाई देती है। गैरी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए वो अपने दोस्त डेविड को उसके बारे में पूछता है। डेविड उसे बताता है कि उस लड़की का नाम कैरन है और वो अभी अभी यहाँ आई है। गैरी उसका एड्रेस ढूंढ लेता है और एक दिन उसकी कार की हवा निकाल देता है और अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच जाता है। जब कैरन स्कूल के लिए निकलती है तब वो देखती है कि उसकी कार में पंचर है। गैरी दूर से ये सब देख रहा था। फिर गैरी कैरन की हेल्प करता है और वो उसे अपनी कार से स्कूल छोड़ देता है। जब कैरन कार से उतरती है तब गैरी उसे पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तब कैरन उसे कहती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी सीन कट होता है और हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर गैरी भी था और तब डेविड उसे बताता है कि कैरन भी यहाँ पर है और वो रिक के साथ डांस कर रही है। कैरन को रिक के साथ देख गैरी को बहुत बुरा लगता है, पर तभी रिक कैरन को अपने दोस्त से मिलने बुलाता है। रिक कैरन और गैरी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करा रहा होता है, लेकिन वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। तभी वहाँ पर कैरन की एक दोस्त रोज आती है। कैरन उसे रिक और गैरी से मिलाती है। रोज गैरी को अपने साथ डांस करने को कहती है और वहीं दूसरी तरफ रिक और कैरन किस करने लगते हैं। ये सब देख गैरी को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी रिक डेविड को उसका ध्यान रखने को कहता है, लेकिन गैरी ने बहुत ड्रिंक की थी इसलिए उसका नशा उतारने के लिए वो उसे पूल में फेंकने ले जाते हैं, लेकिन गलती से डेविड पूल में गिर जाता है। फिर गैरी जब घर जाता है तब उनके घर पे कुछ गेस्ट आए होते हैं। गैरी नशे में उनके सामने बहुत अनोइंग चीजें करने लगता है। तभी उसके पापा उसे अपने रूम में जाने को कहते हैं। दूसरे दिन जब स्कूल के बाद वो पिज्जा डिलीवरी करने एक लेडी के घर जाता है जो उससे उम्र बड़ी होती है, लेकिन फिर भी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। वो उसे घर के अंदर बुलाती है और पिज्जा किचन में रखने को कहती है। जब गैरी वो सब कुछ रख रहा था तब गलती से उसके हाथ से जैम की बोतल गिर जाती है और वो औरत उस जैम को गैरी के होटल पर लगाने लगती है। तभी गैरी को अपने बॉस का फोन आता है जिससे वो वहाँ से भागने लगता है। वो उस औरत के बारे में अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि वो किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाएगी। फिर वो तीनों उस औरत के घर पिज्जा लेकर जाते हैं। वो औरत उन तीनों को अंदर बुलाती है। जब वो तीनों अंदर जाते हैं
तब वो म्यूजिक लगाकर उनके सामने डांस करने लगती है और फिर रिक के साथ इंटीमेट होने के लिए उसे रूम में ले जाती है। रिक उसके साथ बड़े ही रोमांटिकली इंटीमेट हो जाता है। डेविड और गैरी ये सब एक की होल से देख रहे होते हैं। रिक का हो जाने के बाद डेविड अंदर जाता है और वो भी उसके साथ इंटीमेट होता है। डेविड का हो जाने के बाद वो औरत थोड़ा ब्रेक लेने को कहती है और गैरी को बताती है कि थोड़ी देर बाद इंटीमेट होंगे। पर तभी डोरबेल बजती है और दरवाजे पर उस औरत का बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसे देख रिक और गैरी जल्दी से कपड़े पहन लेते हैं और वो औरत अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि दोनों मेरे नए नेबर्स हैं। और तभी डेविड बिना कपड़े के बाहर आ जाता है। तब उस औरत के बॉयफ्रेंड सब समझ जाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब अगले दिन रिक कैरी को बताता है कि वो आज कैरन के साथ डेट पर जाने वाला है, लेकिन कैरन अपने दोस्त रोज को भी साथ लाने वाली है, इसलिए रिक गैरी को अपने साथ ले जाता है। लेकिन उनके पास कार नहीं होती। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है। वो दोनों विक्टर को कहते हैं कि वो लड़की को मिलने जा रहे हैं। तब विक्टर भी उनके साथ आने को तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों उसे ड्रिंक लाने भेजते हैं और उसे उल्लू बनाकर उसकी कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो सब एक बीच पर जाते हैं और कार में ही किस करके इंटीमेट होने लगते हैं। तभी गलती से रोज का पैर कार की ब्रेक को लग जाता है, जिससे कार चलने लगती है और कार समुंदर में चली जाती है, जहाँ पर वो लोग बहुत मजे करते हैं। अगले दिन रिक गैरी को कहता है कि आज उसके कैरन के साथ स्पेशल डेट है और इसलिए उसे गैरी के दादाजी के घर की चाबी चाहिए थी। गैरी को उस स्पेशल डेट के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो रिक को कहता है कि मैं चाबी ढूंढ कर दूंगा। जब रात को रिक एक कैफे में गैरी से चाबी लेने जाता है, तब गैरी उसे कहता है कि उसने चाबी ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन उसे चाबी नहीं मिली। तब रिक डेविड को उसके घर की चाबी मांगता है, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देता है। जिसके बाद गैरी और डेविड वहाँ से जल्दी में कहीं जा रहे होते हैं। तब रिक उनसे पूछता है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। तब वो दोनों उसे बताते हैं कि वो एक रेड हेयर वाली लड़की के साथ इंटीमेट होने जा रहे हैं। डेविड रिक को बताता है कि इन दोनों ने उस लड़की के साथ 9 बार मजे किए हैं। ये बात सुनकर रिक भी अब उनको ज्वाइन करता है। फिर वो लोग उस औरत के पास जाते हैं। वो उन तीनों को लेकर एक रूम में चली जाती है। फिर गैरी के साथ इंटीमेट होती है। वो गैरी को बताती है कि तुम वर्जिन हो, इसलिए तुम्हें और भी सीखना होगा। गैरी का हो जाने के बाद रिक और डेविड भी उनके साथ इंटीमेट होते हैं। लेकिन अगले सुबह उन तीनों को स्कूल में इचिंग प्रॉब्लम होने लगती है। दरअसल उन तीनों को उस औरत के साथ इंटीमेट होने के कारण इन्फेक्शन होता है। फिर वो तीनों स्कूल से बाहर आकर उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक स्विमिंग पूल में जाते हैं। तभी वहाँ पर कैरन आती है और वो रिक से पूछती है कि कल तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आए। तब रिक उसे बातों में उलझाता है और उस टॉपिक को वहीं खत्म करता है। फिर वो पूल से बाहर आते हैं, जिसके बाद रिक कैरन की पीठ पर सनस्क्रीन लगाता है। लेकिन तभी उनको फिर से खुजली होने लगती है, जिससे वो फिर से स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। फिर वो तीनों एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं और इचिंग की दवाई मांगते हैं, लेकिन उनको कैरन ने शर्म आ रही थी कि उनको ये इचिंग कहाँ पे हो रही है। आखिरकार वो इशारे से बता ही देते हैं और वो मेडिकल शॉप वाला उन्हें एक लोशन देता है। फिर दूसरे दिन गैरी कैफे आया होता है और उसे वहाँ कैरन की गाड़ी दिखती है। अंदर जाके वो डेविड से पूछता है कि तुमने यहाँ कैरन को देखा है। डेविड कहता है कि खुद ही नहीं। तभी वहाँ खड़ा विक्टर गैरी को बताता है कि कैरन और रिक स्पेशल डेट पर गए हैं। ये सुनकर गैरी को बड़ा दुख होता है और वो उन दोनों को ढूंढने जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ कैरन और रिक इंटीमेट हो रहे होते हैं। यहाँ कैफे में गैरी अकेला बैठा था। तब वहाँ पर रिक आता है और उसे बताता है कि आज उन्होंने अपनी स्पेशल डेट मनाई। लेकिन कैरन को यकीन नहीं होता। तब वो बहुत दुखी होता है और तभी पीछे से कैरन आती है। उसको देख गैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। गैरी बहुत दुखी था और वो डेविड से जाके मिलता है। तब डेविड क्रिसमस के बारे में बात कर रहा था। वो क्रिसमस वेकेशन को लेकर बहुत एक्साइटेड था। वो गैरी को वेकेशन के बारे में बता रहा था, लेकिन गैरी को जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। गैरी स्कूल की लाइब्रेरी में जाता है और वहाँ पर वो कैरन और रिक को देखता है, जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। दरअसल वो दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही थी। रिक को उसके साथ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना था। उसने कैरन को यूज कर लिया था और वो अब उसे छोड़ रहा था। तब कैरन वहाँ से रोते हुए बाहर जाती है। गैरी भी उसके पीछे जाता है, वो उसे समझाता है, लेकिन कैरन उसे कहती है कि अब मेरे और रिक में कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ये सुनकर गैरी को बुरा लगता है और वो रिक के पास जाता है। वो उसे बताता है कि तुम उसके साथ ऐसा मत करो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि तुम हमारे बीच में मत आओ, अब हमारी रिलेशनशिप खत्म हो गई है। तब गैरी को गुस्सा आता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। अब क्रिसमस की वेकेशन चालू हो गई थी, इसलिए सब लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे थे। और यहाँ दूसरी तरफ गैरी कैरन को लेकर अपने दादाजी के घर जाता है। वो कैरन को हौसला देते हुए कहता है कि डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर को सब कुछ बताने के बाद डॉक्टर उसे कहती है कि
तुम्हें प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए था, और वो सिर्फ वॉशिंग करने के लिए $600 लाने को कहती है। पैसे के इंतजाम करने के लिए गैरी अपने घर जाता है। वो अपनी माँ के पर्स से पैसे चुराता है और अपनी कुछ खास चीजें बेचकर पैसे इकट्ठे करता है। वहाँ हॉस्पिटल में कैरन की अबॉर्शन की प्रोसेस शुरू हो गई थी, जिसके बाद वो उसे लेकर फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। गैरी उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता है और उससे पूछता है कि तुम किसी को मिस तो नहीं कर रही ना। तब वो उसे कहती है नहीं। फिर वो कहती है ये सब बातें जाने दो, कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे आने वाला है। फिर रात को गैरी कैरन से पूछता है कि मैं क्या सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड हूँ, जिसके बाद वो अपने दिल की बात उसे बताता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर जब गैरी अपने घर वापस जाता है तब अपने पेरेंट्स से झूठ कहता है कि वो ट्रिप पे गया था, और उसी दिन वो एक ज्वेलरी शॉप में जाकर कैरन के लिए पेंडेंट खरीदता है जिसे वो कैरन के बर्थडे पे उसे गिफ्ट देने वाला था। और फाइनली कैरन का बर्थडे आ जाता है, गैरी बहुत खुश था और वो उस बर्थडे पार्टी में चला जाता है और आखिर में हम उसे रोते हुए देखते हैं और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।